बैंक में खाता कैसे खोला जाए, इस वीडियो में हम इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले बैंक में खाता खोलने के लिए हमें बैंक जाना होगा। बैंक में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स होते हैं, हर बैंक का अपने तरीके का फॉर्म होता है जिसे भरना होता है। इस फॉर्म को भरने के बाद इसमें कुछ कागजात हमें अपने ज़ाती लगाने होते हैं, जैसे पते से मुतालिक सबूत, यानी हम जिस पते पर रिहाइश पज़ीर है वहाँ से मुतालिक कोई एक सबूत हमें इसके साथ जोड़ना होता है। पते से मुतालिक सबूत में सबसे पहले राशन कार्ड, इसका ज़ेरॉक्स या लाइट बिल का ज़ेरॉक्स या टेलीफोन बिल का ज़ेरॉक्स, इस तरह, या फिर रिहायशी मेंबर के ज़रिए लिया गया रिहायशी दाखिला, इस तरह से कोई एक सबूत, इन चारों में से कोई एक सबूत हमें बैंक को देना होता है। और साथ ही साथ दूसरा सबूत देना होता है, वो होता है शनाख्त का सबूत। अब शनाख्त के सबूत में सबसे पहले आधार कार्ड या पैन कार्ड या इलेक्शन कार्ड या फिर पासपोर्ट, इस तरह से हमको इन में से कोई एक दस्तावेज़ इसके साथ जोड़ना होता है। यानी किसी भी तरह की बैंक में अगर हमें खाता खोलना है तो हमें दो तरह के दस्तावेज़ और बैंक का फॉर्म, इस तरह कुल मिलाकर तीन कागजात जोड़ने पड़ते हैं। एक बैंक का फॉर्म, दूसरा पते से मुतालिक सबूत और तीसरा शनाख्त से मुतालिक सबूत। इस तरह जब हम बैंक में खाता खोल लेते हैं तो हमें बैंक के ज़रिए एक पासबुक दी जाती है जिसमें हमारे लेन देन की मुकम्मल मालूमात होती है और साथ ही बैंक से हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं।